हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, फाइनली शाहरुख खान की मूवी डंकी रिलीज़ हो गई है और मैंने देखा, काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपना एक्सपीरियंस एंड तजुर्बा इस वीडियो के जरिए हम आपको आज बताएंगे। शाहरुख खान की दो ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी हो चुकी है, जवान, पठान, और ये इसकी तीसरी मूवी है डंकी। आइए बात करते हैं स्टोरी क्या है और ये किस टाइप की मूवी है। मूवी के स्टोरी में हमें दिखाया जाता है कि तीन ऐसे दोस्त जो विदेश जाना चाहता है और इस बीच उसके साथ क्या क्या घटित होती है, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कत होती है, यही सब चीज़ इस मूवी में अच्छे तरीके से परोसने की कोशिश की गई है। हालांकि लास्ट में जाता है डोंकी नाम के देश में, अब वहां जाता है। वहां जाने के बाद उसकी मम्मी पापा के लोग बड़े इज्जत करते होते हैं, कर रहे होते हैं, इसलिए बड़े प्यार से बात कर रहे होते हैं कि विदेश गया है उसके लड़का। और इसके अलावा शाहरुख खान की जो लुक है वो गजब के लग रहे हैं। जब भी इंसान पर्दे पे आ रहे हैं, जब भी इंसान स्क्रीन पे आ रहे हैं, कमाल के गजब रिस्पांस दे के जाते हैं। एक एक लुक गजब के लग रहे हैं भाई साहब। 25 साल के लुक दिखाया गया है, एकदम बिल्कुल कमाल के हैं। मूवी की लेंथ 2 घंटा 41 मिनट की है और मूवी के डायरेक्टर राजकुमार हैरानी सर है, जो इससे पहले कई सारे ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुके हैं, जैसे मुन्ना भाई लगे रहो, 3 इडियट, पीके, संजू, इस टाइप की मूवी बना चुके हैं। बंदे को अच्छा एक्सपीरियंस है डायरेक्टर के रूप में, भगवान के रूप माना गया है। और मूवी में आपको इमोशन, इंटरटेनमेंट और कॉमेडी सब कुछ मिलेगा, लेकिन उतना नहीं है जितना आपके माइंड से बाहर हो जाए, उतना नहीं है लेकिन है। मूवी में कमाल की मूवी है। आपके पास समय है तो ज़रूर इस मूवी को देखिए, मूवी डंकी को। और तापसी का भी इंट्री जब होती है, तापसी भी अच्छा काम की है मूवी में विलन के रूप में। इसके अलावा और मूवी में जो BGM है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर इंग्रेडिएंट का ध्यान रख करके शूटिंग किया गया है, जिससे आप बोर नहीं होंगे और मूवी आपको एंजॉय देगी और सीट पे बांध कर रखेगी। इतना समझिए, ये भी मूवी साल के ब्लॉकबस्टर ही मानी जाएगी, चूँकि शाहरुख खान की दो ऐसी मूवी जो है ब्लॉकबस्टर मानी गई है। इतना अच्छा इमोशन होती है जहाँ पे लोग उठ करके तालियां बजा रहे थे। तो दोस्तों, ये रही मेरी डंकी मूवी की, शाहरुख खान की डंकी मूवी की रिव्यू। अगर जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस टाइप के वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर। अपना ख्याल।